नमस्कार, मैं काजल द्विवेदी आपका स्वागत करती हूँ केकेआर न्यूज में। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में मौसम वैज्ञानिक जेपी विश्वकर्मा ने बताया कि विगत 24 घंटे में पूरे मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा, जिसके कारण पूरे प्रदेश में हल्की वर्षा दर्ज की गई है। कहीं कहीं पर अति भारी वर्षा हुई है। 16 सेंटीमीटर पिपरिया, 14 सेंटीमीटर बैतूल, 13 सेंटीमीटर विदिशा। वहीं हम बात करें राजधानी की, तो राजधानी में भी गजक चमक के साथ हल्की सी वर्षा होने की संभावना है। आज का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो सामान्य है। भोपाल से संवाददाता साउथ सिद्दीकी की रिपोर्ट। विगत 24 घंटे में पूरे मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा, जिसके कारण पूरे प्रदेश में हल्के से मध्यम वर्षा गरज चमक के साथ दर्ज की गई है। कहीं कहीं पर अति भारी वर्षा हुई। 16 सेंटीमीटर पिपरिया जिला होशंगाबाद, 14 सेंटीमीटर बैतूल और 13 सेंटीमीटर विदिशा, और भारी वर्षा 8 सेंटीमीटर पेटलावाद जिला झाबुआ और 8 सेंटीमीटर केसरी जिला सागर, 7 सेंटीमीटर रतलाम, 7 सेंटीमीटर सीधी, 7 सेंटीमीटर जैतपुर जिला शहडोल में आज दर्ज की गई है। आगामी 24 घंटे में मानसून द्रोणिका भी अपने ग्वालियर और सतना से गुजर रही है। दूसरा, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश पर चक्रवाती परिसंचरण है। इसके अतिरिक्त तीसरा, झारखंड से लेकर के दक्षिणी गुजरात तक एक द्रोणिका जा रही है, उसके ऊपर चक्रवाती परिसंचरण है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में हल्के से मध्यम गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं पर भारी से अति भारी वर्षा विदिशा, रायसेन, खंडवा, खरगोन, बड़वानी आदि, और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा सीधी, सिंगरौली, सागर, छतरपुर आदि में होने की संभावना है। राजधानी में भी गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आज का तापमान न्यूनतम 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जो सामान्य रहा है, और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड जाने की संभावना है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट imdbhopal.government.in पर आप लॉगिन कर सकते हैं। मैं JP विश्वकर्मा, मौसम केंद्र भोपाल। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।